देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। ये है नैनीताल की झील। नैनीताल के बीचों बीच स्थित नैनी लेक हरी भरी पहाड़ियों से घिरी एक खूबसूरत और आधे चंद्रमा के आकार की मीठे पानी की झील है। इस झील में आपको यहाँ वहाँ तैरती हुई रंग बिरंगी नावें जरूर दिख जाएंगी। ये झील दो भागों में विभाजित है, पहली मल्लीताल और दूसरी तल्लीताल। इस झील में बोटिंग करना अपने आप में एक अनोखा अनुभव होता है, खासकर तब जब सूरज निकल रहा हो या सूरज ढल रहा हो। रात के समय में जब इस झील में शहर की लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो नज़ारा भी वाकई में देखने लायक होता है। इस झील के आसपास भी देखने और घूमने लायक कई जगहें हैं। इनमें सबसे पहला है नैना देवी मंदिर, जो कि झील के उत्तरी किनारे पर स्थापित एक पवित्र हिंदू मंदिर है। इसके अलावा शाम के समय आप इस झील के चारों तरफ फैली हुई मॉल रोड पर भी टहल सकते हैं और सड़क के किनारे पर मौजूद दुकानों से शॉपिंग भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर रेस्टोरेंट और होटल्स भी हैं, जहाँ आप लोकल पहाड़ी कुजीन का लुत्फ उठा सकते हैं। कुल मिलाकर नैनीताल की झील एक रोमांटिक बोट राइड, परिवार के साथ शांति से समय बिताने और नेचर को करीब से एक्सप्लोर करने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। नैनीताल में रात बिताने के लिए आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। हालांकि कई बार यहाँ के होटल फुल हो सकते हैं या आपके बजट के बाहर हो सकते हैं, ऐसे में रात बिताने के लिए आप यहाँ के लोकल विलेजेस में मौजूद होम स्टेज में रुक सकते हैं, जहाँ आपका रहना और खाना दोनों ही कम बजट में हो जाएगा। नैनीताल की झील को देखने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच होता है। हालांकि अगर आप सर्दियों में भी नैनीताल आते हैं तब भी आपको यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में हमारी नैनीताल की अगली अट्रैक्शन स्नो व्यू पॉइंट है। स्नो व्यू पॉइंट नैनीताल का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहाँ से आप नंदा देवी, त्रिशूल और नंदकोट जैसे हिमालयी पर्वतों के अकल्पनीय नज़ारों को देख सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे नैनी लेक से पैदल भी जा सकते हैं या थोड़ा और एडवेंचर करने के लिए मल्लीताल से एक केबल कार की सवारी करके भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। स्नो व्यू पॉइंट से बर्फ से ढके पहाड़ों के लुभावने नज़ारे दिखाई देते हैं। कोशिश करें कि आप यहाँ पर सुबह सुबह पहुँच जाएं, क्योंकि इस वक्त हिमालय की चोटियों पर सूरज की पहली किरण पड़ती है और इस पहली किरण को यहाँ से देखा जा सकता है। आपको इस जगह से देखने पर सनसेट का नज़ारा भी जिंदगी भर याद रह जाएगा। ऊपर से यहाँ पर केबल कार से जाने पर आपको ऊंचाई से नैनीताल और यहाँ के हरे भरे जंगलों का शानदार नजारा दिखाई देगा। ये जगह नैनीताल के सेंटर से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है। आप इस जगह साल के किसी भी समय जा सकते हैं। स्नो व्यू पॉइंट के पास में ही टिफिन टॉप नाम की एक और चोटी है, जहाँ से नैनीताल की झील और यहाँ की पहाड़ियों के जबरदस्त नज़ारे दिखाई देते हैं। टिफिन टॉप को डोरोथी सीट के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह नैनीताल की एक दर्शनीय और सबसे सुंदर पिकनिक स्पॉट है। इस जगह का नाम एक अंग्रेजी कलाकार डोरोथी कैलेट के नाम पर रखा गया था। इस खास जगह से आपको नैनीताल शहर और कुमाऊं की पहाड़ियों का 360 डिग्री पैनारोमिक व्यू देखने को मिलता है। ये जगह फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के बीच खासा पसंद की जाती है। टिफिन टॉप उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट जगह है जो लोग शहरों की व्यस्तता से दूर प्रकृति के बीच कुछ घड़ियां एकदम शांति से बिताना चाहते हैं। टिफिन टॉप तक पैदल जाना बहुत मुश्किल नहीं है और लगभग हर उम्र के लोग यहाँ तक जा सकते हैं। ये जगह सेंटर नैनीताल से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, जहाँ आप पैदल या घोड़े की सवारी करके भी पहुँच सकते हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जुलाई और सितंबर से नवंबर के बीच माना जाता है। नैनीताल में घूमने के लिए हमारी अगली डेस्टिनेशन है इको केव गार्डन। दरअसल इको केव गार्डन एक तरह की गुफाएं हैं, जिन्हें नैनीताल आने वाले पर्यटक खूब पसंद करते हैं। ये जगह खास तौर पर फैमिली के साथ घूमने और बच्चों के बीच बहुत अधिक पॉपुलर है। इको केव एक तरह से प्राकृतिक और इंसानों द्वारा बनाई गई गुफाओं की एक सीरीज है, जिन्हें एक एजुकेशनल पार्क में बदल दिया गया है। यहाँ आने पर आपको यहाँ के लोकल इकोसिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पर कई गुफाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक गुफा का नाम किसी जानवर जैसे कि टाइगर्स, पैंथर्स, पॉक्यूपाइन और फ्लाइंग फॉक्स के नाम से रखा गया है। साथ ही इस केव गार्डन में आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर बुल राइडिंग, स्काई साइकिलिंग और चिल्ड्रन पार्क्स भी हैं। इन गुफाओं के टॉप पॉइंट से नैनीताल शहर और झील का बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। केव गार्डन में एंट्री के लिए हर पर्यटक को 100 रुपये और बच्चों के लिए 60 रुपये का टिकट रखा गया है। ये गुफाएं नैनीताल की फेमस मॉल रोड से केवल 1 किलोमीटर दूर सुखाताल नाम की एक जगह में मौजूद है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच माना जाता है। अगर आप दिल्ली या दूसरे किसी राज्य से नैनीताल घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको हमारी आज की अगली डेस्टिनेशन मुक्तेश्वर जरूर जाना चाहिए।
नैनीताल में हमारी अगली डेस्टिनेशन मुक्तेश्वर में प्रवेश करते ही आप यहाँ की वादियों के मुरीद हो जाएंगे। ये जगह नैनीताल से 51 किलोमीटर, हल्द्वानी से 72 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। मुक्तेश्वर की वादियों को देखने के लिए देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं। मुक्तेश्वर के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक यहाँ पर स्थापित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है। एक प्राचीन शिव मंदिर है जो पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यहाँ से हिमालय के पैनोरामिक और हरी भरी घाटियों के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। यदि आप एडवेंचर का शौक रखते हैं तो इस मंदिर के पास में ही चौली की जाली नाम की एक चट्टान पर आप रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस जगह से शाम के सनसेट और हिमालय के नजारे देखना भी अपने आप में एक अलग ही फील देता है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र आराम से टहलने के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। यहाँ पर घने जंगलों से होकर गुजरने वाले सुंदर रास्ते भी है। यहाँ पर आने पर आपको खूबसूरत पक्षी और कभी कभी डियर्स भी देखने को मिल सकते हैं। इस जगह की शांति और ताजी पहाड़ी हवा इस स्थान को शहर के शोरगुल से दूर शांति से समय बिताने के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती है। जून जुलाई और अगस्त के महीने में जाने पर मुक्तेश्वर में आपको ताजे सेब, आड़ू, पुलम और नाशपाती जैसे फल भी चखने को मिल सकते हैं। मुक्तेश्वर में ठहरने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर बजट फ्रेंडली होम स्टे तक सब कुछ मिल जाएगा। हालांकि होम स्टे में रहने पर आपको यहाँ की स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य का सीधे अनुभव करने का मौका मिलता है। साथ ही इस दौरान आप यहाँ के लोकल पहाड़ी व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। मुक्तेश्वर में जाने पर आप यहाँ के भालूगाड़ वाटरफॉल भी देखने के लिए जा सकते हैं। जंगलों के बीच में मौजूद इस झरने में ऊंचाई से पानी गिरता है। इसके अलावा इस झरने के आसपास भी आप स्काई साइकिलिंग और दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। मुक्तेश्वर में रुकने और यहाँ खाने की पूरी व्यवस्था है। मुक्तेश्वर घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच का होता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है और आसमान साफ रहता है। हालांकि अगर आप सर्दियों के दौरान आते हैं तो यहाँ भी आपको बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अगर आप धर्म और स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखते हैं तो आपको नैनीताल से केवल 17 किलोमीटर दूर कैंची धाम आश्रम में जरूर जाना चाहिए। कैंची धाम नैनीताल के सबसे महत्वपूर्ण और मनमोहक स्थानों में से एक है। ये जगह नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर है, जहां आप सड़क के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। हरी भरी पहाड़ियों के बीच में बसे और प्रकृति की शांति से घिरे इस आध्यात्मिक स्थान के दर्शन करने के लिए दुनिया भर के भक्त यहाँ पधारते हैं। ये आश्रम पूज्य संत बाबा नीम करौली को समर्पित है, जिन्हें अपने दिव्य ज्ञान और अपने अविश्वसनीय चमत्कारों के लिए जाना जाता है। कैंची धाम में न केवल पूजा होती है बल्कि यह एक शांतिपूर्ण स्थान भी है, जहां जाने वाले भक्त शांति से ध्यान और चिंतन कर सकते हैं। मंदिर परिसर के आसपास की हरियाली और मंदिर के ठीक सामने होकर बहने वाली नदी इस मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लेने, शांति पाने और इस जगह से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आते हैं। कैंची धाम से थोड़ी ही दूरी पर ढोकानी वाटरफॉल नाम का एक हिडन झरना भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये झरना राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर स्थित है। ये सड़क उत्तराखंड के दो बहुत ही फेमस हिल स्टेशन नैनीताल और अल्मोड़ा को आपस में जोड़ती है। ढोकानी वाटरफॉल और कैंची धाम की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच माना जाता है। हालांकि आप इन दोनों जगहों में साल के किसी भी समय जा सकते हैं। नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है और हमारी अगली डेस्टिनेशन भी सात ताल नाम की एक झील ही है, जो कि मेन नैनीताल से केवल 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सात ताल ओक और देवदार के पेड़ों के घने जंगलों के बीच में स्थित एक बड़ी झील है। सात ताल नाम का शाब्दिक अर्थ हिंदी में सात झीलें होता है। दरअसल सात छोटी छोटी झीलें मिलकर सात ताल का निर्माण करती हैं। ये स्थान उत्तराखंड का एक हिडन जेम है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। केवल कुछ गिने चुने लोग और प्रकृति प्रेमी ही इस रोमांचक जगह के बारे में जानते हैं। सात ताल का मौसम पूरे साल ठंडा और सुखद रहता है। यहाँ की झीलें हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई हैं। अगर आप पक्षियों से प्रेम रखते हैं तब तो आपको सात ताल जरूर देखना चाहिए। ये जगह 500 से अधिक प्रजातियों के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का घर है। ये क्षेत्र दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करता है, जो यहाँ की दुर्लभ और विदेशी पक्षी प्रजातियों को देखने के लिए आते हैं। एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी सात ताल में बोटिंग और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियाँ प्रदान की जाती हैं। सात ताल से लगभग 13 किलोमीटर
और नैनीताल से केवल 24 किलोमीटर की दूरी पर हमारी अगली डेस्टिनेशन भीमताल मौजूद है। भीमताल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सबसे सुंदर और शांत पहाड़ी शहरों में से एक है। इस जगह का नाम महाभारत के पात्र भीम के नाम पर रखा गया है। इस खूबसूरत जगह को अपनी शांत झील, हरे भरे परिवेश और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। नेचर और एडवेंचर प्रेमियों को भीमताल खूब रास आता है। भीमताल का मुख्य आकर्षण यहाँ की खूबसूरत झील है, जो कि नैनीताल की झील से भी बड़ी है। यहाँ पर आसपास की पहाड़ियों के शानदार नजारों का लुत्फ उठाते हुए शांत और साफ पानी में नाव की सवारी करना एक अनूठा अनुभव होता है। भीमताल झील के बीच में एक छोटा सा टापू भी है, जिसमें एक मछली घर है। इस मछली घर में कई विदेशी मछलियां भी हैं। इस सुंदर टापू तक पहुंचने के लिए आपको नाव से जाना पड़ेगा। भीमताल झील के एक छोर पर विक्टोरिया डैम है, जहाँ पर खूबसूरत फूलों के बगीचे हैं। ये जगह तस्वीरें लेने और आराम से टहलने के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। यदि आप तितलियों में रुचि रखते हैं तो आप भीमताल में तितली अनुसंधान केंद्र में भी जा सकते हैं। यहाँ पर तितली प्रजातियों का एक विशाल संग्रह मौजूद है। ये जगह बच्चों के लिए शिक्षाप्रद और मनोरंजक हो सकती है। भीमताल के पास में एक दूसरी छोटी और शांत झील भी है। इस झील को नल दमयंती ताल के नाम से जाना जाता है। ये जगह शांति की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित होती है। भीमताल पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है, जो इसे ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। भीमताल के आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों की कई तरह की प्रजातियां भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा भीमताल उत्तराखंड की इन गिनी चुनी जगहों में से एक है, जहां आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। इस दौरान आप हवा में लहराते हुए खूबसूरत पहाड़ी शहर का लुत्फ उठा सकते हैं। भीमताल का मौसम पूरे साल सुहावना रहता है, यहाँ तक कि यहाँ की गर्मियाँ भी ठंडी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।